वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम वॉकेबलरी ग्रामर का हम लोगों ने सारा पोर्शन कवर कर दिया है। वॉकेबलरी का आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। डेज ऑफ द वीक मतलब सप्ताह के जितने दिन होते हैं उनके नाम हम देखेंगे। डेज ऑफ द वीक सप्ताह में जितने दिन होते हैं उनको आज हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हाउ मेनी डेज इन अ वीक, एक दिन में कितने, एक वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज। यस, तो आप सभी रिप्लाई करेंगे कि 7 डेज होते हैं मैम। यस, तो क्या आप मुझे, कैन यू नेम देम, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस मैम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो स्टूडेंट्स आज हमको क्या करना है, हमें जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी नाम रीड करे कि इनके नेम्स देखे हमने अभी डेज के, अब हमें उन डेज के नेम्स की स्पेलिंग भी लर्न करनी है। तो आप वन मोर टाइम एक बार और नाम बोलेंगे और विद स्पेलिंग बोलेंगे, जैसे SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेंसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे एंड लास्ट में SATURDAY सैटरडे। तो आप इन सभी की स्पेलिंग्स भी लर्न करेंगे बिकॉज आपको स्पेलिंग्स लर्न होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टुडे, आज कौन सा डे है। फॉर एग्जांपल आज कौन सा डे है, अगर मैं बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग आज PTM वाला दिन है आप लोगों का, तो आज सैटरडे है। पर आप बताएंगे मुझे व्हाट इज टुडे, आज कौन सा डे है, आप अपने पेरेंट्स को बताइए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स बोला है राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द डेज। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स गिवन है, आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। तो करेक्ट स्पेलिंग आप कैसे लिख पाएंगे, जब आप स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्पेलिंग्स लर्न करनी है, देन आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। जैसे यहाँ पर वेनसडे की स्पेलिंग गलत है, तो हम लिखेंगे WEDNESDAY वेंसडे। अब देखो डबल डी आ गया, तो हम क्या करेंगे, SUNDAY संडे। अब देखो TUESDAY, तो एस तो ई तो लगाया ही नहीं है एस के पहले, तो हम लिखेंगे TUESDAY ट्यूसडे। अब यहाँ पर डबल आई है, तो हम करेक्ट करेंगे FRIDAY फ्राइडे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आर के बाद एस नहीं है, तो हम अगेन लिखेंगे THURSDAY थर्सडे, SATURDAY सैटरडे एंड MONDAY मंडे। तो हम इस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, स्पेलिंग्स को करेक्ट करेंगे। उसके लिए हमको सबसे पहले आज क्या करना है, जितने भी डेज है उन सभी की स्पेलिंग्स लर्न करनी है। इज़ इट क्लियर। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको स्पेलिंग्स लर्न करनी है डेज की। नाउ स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 के बाद अब हम चैप्टर नंबर जो 3 है, नंबर 3 हमको नहीं करना है, उस पर आप क्रॉस करेंगे। और अब हम चैप्टर नंबर 4 वॉकेबलरी का अपोजिट्स ये स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अपोजिट्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मतलब एक दूसरे के से पूरी तरीके से डिफरेंट, जैसे डे तो नाइट तो अपोजिट है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरीके से डिफरेंट है वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ पर ये बॉय पेड़ के पास में है, तो नियर और दूर है, तो हम क्या बोलेंगे, फार। नियर मतलब पास और फार मतलब दूर। स्वीट मतलब मीठा और सोर मतलब खट्टा, तो मीठा और खट्टा अपोजिट है। वैसे ही ओल्ड और यंग, ब्लैक वाइट, तो ये क्या है, एक ऐसे वर्ड्स है जिन वर्ड्स को हाईलाइट किया है जो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे नियर मतलब पास, तो नियर का अपोजिट क्या होगा, फार मतलब दूर। स्वीट मीठा, सोर खट्टा, ओल्ड पुराना और यंग मतलब, ओल्ड मतलब बूढ़ा और यंग मतलब जवान। वैसे ही ओल्ड का मतलब होता है एक और पुराना, और न्यू का मतलब होता है नया। ब्लैक मतलब काला और वाइट मतलब गोरा। तो ऐसे हमने अपोजिट्स देखे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स फील करने, जैसे डे नाइट, हॉट मतलब गर्म, तो हॉट का अपोजिट क्या होगा, कोल्ड मतलब ठंडा, ओल्ड मतलब पुराना, ओल्ड न्यू, न्यू मतलब नया, फास्ट मतलब तेज और स्लो मतलब धीरे, हैप्पी मतलब खुश, तो हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सैड, सैड मतलब दुखी, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर और वीक मतलब कमज़ोर,
ठीक है, तो हमने इनके अपोजिट देखे, अब इधर देखते हैं, ब्लैक काला, वाइट गोरा, हाई ऊंचा, लो नीचा, हार्ड मतलब कड़क और सॉफ्ट मतलब मुलायम, फर्स्ट जो फर्स्ट पे आया है पहला, और लास्ट मतलब आखिरी, फैट मोटा और थीन मतलब पतला, हैवी मतलब भारी और लाइट मतलब हल्का। तो हमने क्या करा, हिंदी में आपने विलोम शब्द देखे हैं, वैसे ही उन विलोम शब्द को इंग्लिश में अपोजिट्स कहते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, डे नाइट, हॉट कोल्ड, ओल्ड न्यू, फास्ट स्लो, हैप्पी सैड, स्ट्रॉन्ग वीक, ब्लैक वाइट, हाई लो, हार्ड सॉफ्ट, फर्स्ट लास्ट, फैट थीन, हैवी लाइट। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इन सभी के अपोजिट्स लर्न करने हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, ये क्या है, अरेंज नहीं है, आपको इनको सही करना है और इनका अपोजिट बनाना। जैसे डे नाइट, अस्लीप अवेक, स्लीप मतलब सोना, अवेक मतलब जागना, हार्ड सॉफ्ट, फास्ट स्लो, क्लीन मतलब साफ और डर्टी मतलब गंदा। तो हमने क्या करा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज अपोजिट्स देखे और हमने आज डेज के जो नेम्स थे उन्हें लर्न किए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ पर अपोजिट्स भी क्लियर होंगे और वीक के डेज के नेम भी आपको क्लियर होंगे। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।